जंगल में शिकारियों का दबदबा तो शुरू से ही रहा है। हम सब जानते हैं कि शिकारी जानवर किस तरह मासूमों को अपना शिकार बनाते रहते हैं, क्योंकि ना तो उन्हें उनकी मासूमियत से कुछ फर्क पड़ता है और ना ही उनके दर्द से कोई मतलब रहता है। इसलिए आए दिन जंगल के शिकारी मासूमों के खून के प्यासे बने रहते हैं। लेकिन कभी कभी जंगल में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब शिकारियों का हमला खाली चला जाता है, या यूं कहें कि कई बार मासूम जानवरों की चालाकी काम कर जाती है, जिसके कारण कई बार उनकी जान भी बच जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको जंगल के कुछ ऐसे मौके को दिखाने वाले हैं जहां मासूम जानवर अपनी जान बचाने में कामयाब रहते हैं। तो बिना कोई समय गवाए चलते हैं सीधा वीडियो के ओर। ज़ेब्रा एस्केप्स क्रोकोडाइल। तालाब वो जगह है जहां जंगली जानवरों का सामना मगरमच्छ जैसे शिकारी से होता रहता है। कई बार तो कुछ जानवर उससे बचने में कामयाब रहते हैं तो कई बार उनके मुंह का निवाला बन जाते हैं। यहां भी एक ज़ेब्रा नदी पार करने के दौरान मगरमच्छ के बीच फंस चुका है, लेकिन क्या ये अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाएगा, चलिए देखते हैं। यहां ज़ेब्रा अपने झुंड के साथ नदी पार कर रहे हैं, जिसमें से एक ज़ेब्रा जैसे ही थोड़ा आगे की ओर पहुंचता है तभी पानी में मौजूद मगरमच्छ उस पर हमला करता है, जिसके बाद वो ज़ेब्रा डरकर पीछे की ओर चला जाता है। मगरमच्छ को पानी में देखकर ज़ेब्रा का झुंड काफी सहम जाता है और थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुका रहता है, लेकिन पानी को पार करना भी उनके लिए उतना ही जरूरी था, इसलिए थोड़ा हिम्मत जुटाकर वो फिर से पानी को पार करने लगते हैं। वहीं मगरमच्छ भी अपनी नजरों को घुमाकर उनके झुंड की तरफ देखता रहता है ताकि सही मौका मिलने पर वो उनका शिकार कर सके। अब मगरमच्छ पूरी तरह से इन पर हमला करने के लिए तैयार रहता है और उनमें से एक ज़ेब्रा को पकड़कर पानी में खींचने लगता है। वहीं ज़ेब्रा भी पूरी ताकत से इसे छूटने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ इतनी मजबूत है कि उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब साबित होती है और मगरमच्छ उसकी पूंछ को पकड़कर खींचता रहता है। लेकिन तभी एक वक्त ऐसा भी आता है जब ज़ेब्रा की हिम्मत रंग लाती है और वो उसे छूटने में कामयाब हो जाता है। बफेलो एस्केप्स लायन। वैसे तो शेर के चंगुल से बचना लगभग नामुमकिन माना जाता है, लेकिन कभी कभी ये खुद ही कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिनसे इनके शिकार को भागने का मौका मिल जाता है और इनका शिकार इनसे दूर चला जाता है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक भैंस को पकड़ने के लिए दो शेर और एक शेरनी उसका पीछा करने लगते हैं और उसे पकड़कर उसे गिराने की कोशिश करते हैं। वही भैंस भी इनसे बचने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब हो उससे पहले ही शेर का झुंड उसे जमीन पर पटक देता है और फिर उसके शरीर को हर तरफ से नोचने लगता है। शेर का ग्रुप इस भैंस को नोच ही रहा था कि तभी थोड़ी ही देर में एक और शेरनी भी वहां पहुंच जाती है और इस भैंस को खाने के लिए अपनी दावेदारी पेश करती है। लेकिन सामने खड़ी एक शेरनी को ये बात काफी नागवार गुजरती है और फिर वो इस शेरनी के ऊपर हमला कर देती है। देखते ही देखते शेर का पूरा झुंड आपस में किसी दुश्मन की तरह लड़ने लगते हैं, जिससे भैंस को यहाँ से भागने का पूरा मौका मिल जाता है और वो फिर इनसे बचकर यहाँ से भाग जाती है। गैजल एस्केप्स लायनेस। भैंस की किस्मत ने तो शेर से उसकी जान बचा ली, लेकिन क्या गैजल भी शेर से बचने में कामयाब हो पाएगी, वो तो इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ एक गैजल नदी के पास अपनी प्यास बुझा रही है। वो इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि इस सुनसान जंगल में कभी भी उस पर हमला हो सकता है, इसलिए वो पानी पीने के दौरान काफी सतर्क भी नजर आती है और अपनी नजरों को घुमाकर यहाँ वहाँ देखती रहती है। तभी थोड़ी ही देर में गैजल का ये डर बिल्कुल सच साबित होता है, क्योंकि बिजली की रफ्तार से एक शेरनी तुरंत ही आकर उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद गैजल बड़ी ही चालाकी से इससे बचने में कामयाब हो पाती है। शेरनी की रफ्तार इतनी तेज थी कि गैजल का बचना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन वही गैजल की पूर्ति भी कुछ कम नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से इसने शेरनी से बचने का तरीका अपनाया वो सच में काबिले तारीफ है। गुयाना को एस्केप्स प्यूमा। शिकार और शिकारी तब तक एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं जब तक कि शिकार अपनी जान बचाने में कामयाब ना हो जाए, तो वहीं शिकारी भी तब तक अपने शिकार का पीछा करता है जब तक कि वो उसे अपने कब्जे में ना ले ले। कुछ ऐसा ही नजारा आप इस क्लिप में देखने वाले हैं, जहां शिकारी से बचने के लिए शिकार अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। यहां एक प्यूमा गुयानाको का शिकार करने के लिए उसे दौड़ाने लगता है और फिर थोड़ी ही देर में उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। वहीं गुयानाको भी इससे बचने के लिए पूरी कोशिश करती है और इससे छूटकर तुरंत ही यहां से भागने लगती है, लेकिन गुयानाको यहां से भाग पाती उससे पहले ही प्यूमा तेजी से दौड़कर उसे फिर से पकड़ लेता है और फिर थोड़ी ही देर में उसका एक और साथी भी वहां पहुंच जाता है। अब दोनों प्यूमा मिलकर इस गुयानाको को दौड़ाने लगते हैं और उसे अपने कब्जे में लेने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन गुयानाको ने भी मानो आज जैसे कसम खा रखी हो कि जब तक वो इनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा लेती तब तक वो अपने संघर्ष को जारी रखेगी, इसलिए वो लगातार यहां से भागने में लगी रहती है। अब गुयानाको अपनी रफ्तार तेज कर लेती है और एक प्यूमा को अपने पैरों से मारकर आगे बढ़ जाती है। देखते ही देखते प्यूमा का पूरा झुंड वहां पहुंच जाता है, लेकिन तब तक गुयानाको यहां से भागकर काफी दूर पहुंच जाती है। इम्पाला एस्केप्स लेपर्ड एंड हायना। लेपर्ड एक ऐसा जानवर है जो अपने शिकार को देखकर घात लगाने के लिए जाना जाता है और उसकी ये स्ट्रेटेजी कई बार काम भी कर जाती है, लेकिन मामला तो तब बिगड़ जाता है जब उसके शिकार पर कोई दूसरा शिकारी हाथ आजमाने पहुंच जाता है। यहाँ एक लेपर्ड इम्पाला के झुंड को देखकर धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ता है और फिर उन्हें पकड़ने के लिए एक ढलान के पास जाकर छिप जाता है, लेकिन तभी एक इम्पाला की नजर गड्ढे में छिपे लेपर्ड की पूंछ पर पड़ती है, जिसके बाद वो थोड़ा सहम जाता है। इम्पाला कुछ सोच पाता उससे पहले ही लेपर्ड एकाएक उनके झुंड पर हमला कर देता है, जिसके बाद
सारे इंपाला यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। वहीं लेपर्ड भी उन्हें पकड़ने में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और फिर फुर्ती के साथ एक इंपाला को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। अब लेपर्ड इस इंपाला के मुंह को अपने जबड़े से जकड़ लेता है और वहाँ मौजूद इंपाला के साथ ही इस मंजर को देखते रहते हैं। लेकिन तभी इस बीच एक हायना भी वहाँ पहुँच जाता है जो इस लेपर्ड के शिकार पर अपना हाथ आजमाने वाला है। हायना जैसे ही लेपर्ड को गड्ढे में शिकार के साथ देखता है वो तुरंत ही लेपर्ड के ऊपर टूट पड़ता है, जिसके बाद लेपर्ड इंपाला को छोड़कर तुरंत ही वहाँ से भाग खड़ा होता है और इस तरह इंपाला अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। वार्थॉग एस्केप्स लेपर्ड। अपने शिकार को पकड़ने के लिए लेपर्ड एक बार फिर से घास के अंदर छिप जाता है ताकि सामने खड़े वार्थॉग को इसकी मौजूदगी की भनक ना लगे। लेकिन वार्थॉग का झुंड उस छिपे हुए लेपर्ड को देख लेता है और थोड़ा सहम जाता है। लेकिन थोड़ी देर रुकने के बाद वार्थॉग का झुंड आगे की ओर बढ़ने लगता है और इस लेपर्ड के काफी करीब पहुंच जाता है। वार्थॉग जैसे ही लेपर्ड के थोड़ा पास पहुंचते हैं वैसे ही लेपर्ड उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद वार्थॉग बड़ी ही फुर्ती दिखाकर यहां से भागने लगते हैं। वार्थॉग भागते भागते इस लेपर्ड से इतनी दूर पहुंच जाते हैं कि बेचारे लेपर्ड को फिर से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। वार्थॉग एस्केप्स क्रोकोडाइल। मगरमच्छ का हमला कितना घातक होता है इस बात को बताने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मगरमच्छ एक बार किसी को पकड़ ले तो फिर उसके टुकड़े किए बिना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। लेकिन वार्थॉग भी एक ऐसा जानवर है जो अपनी फुर्ती के लिए जाना जाता है और उसकी यही फुर्ती उसकी जान बचाने के काम आती है। अपनी प्यास बुझाने के लिए वार्थॉग एक तालाब के पास पहुंचता है और फिर काफी सावधानी भरे अंदाज से तालाब में मौजूद पानी को पीता रहता है। वार्थॉग ये बात जानता है कि पानी में छिपा मगरमच्छ कभी भी इस पर हमला कर सकता है, इसीलिए ये थोड़ा सतर्क भी दिखाई दे रहा है। तभी एक मगरमच्छ वार्थॉग को पानी पीता देखकर उसके करीब आने लगता है और फिर अचानक ही इस पर हमला कर देता है। मगरमच्छ का हमला इतना तेज था कि वार्थॉग का बचना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन वार्थॉग की फुर्ती भी कुछ कम नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से उसने मगरमच्छ से अपनी जान बचाई है उसे देखना वाकई में काफी लाजवाब लगता है। पेंगोलिन वर्सेस लायनेस। इस दुनिया में पेंगोलिन एक ऐसा जानवर है जो अपने शरीर की अनोखी बनावट के लिए जाना जाता है। अनोखा इसलिए क्योंकि जब भी इस पर कोई खतरा मंडराता हुआ नजर आता है तो ये अपने शरीर को एक गेंदनुमा आकार में ढाल लेता है, जिससे कई बार दुश्मनों से इनकी जान भी बच जाती है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि एक शेरनी पेंगोलिन के शरीर को अपने जबड़े से दबोचने में लगी हुई है, लेकिन पेंगोलिन ने अपने शरीर को कुछ इस तरह से फोल्ड करके रखा है कि शेरनी चाहकर भी इसे अपना शिकार नहीं बना पाती। शेरनी लगातार इसके शरीर को हर तरफ से नोचने की कोशिश करती रहती है, लेकिन हर बार उसकी ये कोशिश नाकाम साबित होती है। कभी वो इसे अपने पंजों से मारकर इसके शरीर को हिला रही है तो कभी दांत गड़ाकर अपने नाश्ते में शामिल करने की सोच रही है। काफी देर तक शेरनी इसे ऐसे ही नोचने में लगी रहती है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है। खैर, इस पेंगोलिन की चालाकी तो यहाँ काम कर गई, नहीं तो शेर इसका वो हाल करता जिसकी शायद इसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि जंगल में ऐसे बहुत ही कम मौके देखे जाते हैं जब कोई शेर से बचने में कामयाब हो पाता है। तो दोस्तों, जंगल की दुनिया में कभी कभी ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं जब जंगली शिकारियों को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है, क्योंकि मासूम जानवर अपनी चतुराई से कुछ इस तरह अपनी जान बचाते हैं जिसे देखना काफी रोमांचक लगता है। वैसे आपको इनमें से किस जानवर की चालाकी सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही और भी शानदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो